हेलो नौजवान साथियों, जय हिंद जय भारत। जीनियस मिलिट्री एकेडमी हांसी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। 2023 बम्पर भर्ती, आज तारीख होगी 30, कल है 31, 2023 फिनिश। तो दोस्तों, 2023 में बहुत सारी भर्ती आई है, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और बहुत सारे बच्चे अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, लाइन में लगे रहोगे, सब्र करोगे, मेहनत करोगे तो आपको भी मौका जरूर मिलेगा गवर्नमेंट जॉब का। तो आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें मैं ये बताऊँगा कि कितनी वैकेंसी हैं, क्या सिलेबस है और कौन कौन स्टेट का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अभी स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है, इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो 60,244 पोस्ट हैं, यानी 60,244 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं योग्यता, हाइट, सिलेबस, आयु, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। नोटिफिकेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ, वीडियो बहुत सारी पहले भी बन चुकी है, लेकिन आपको पता है कि जीनियस मिलिट्री एकेडमी कोई भी भर्ती आती है तो उसका स्पेशल बैच स्टार्ट कर देती है। तो हम यूपी पुलिस का भी स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या इसके अंदर दिखा रखे है। इसमें क्या दिखा रखा है कि कांस्टेबल पोस्ट है, ये 2024-25 की भर्ती है। वैकेंसी इसके अंदर हैं 60,244, यूपी के अंदर आपने जॉब है। तो स्टार्टिंग डेट थी जो 27/12/2023, यानी इस महीने की 27 तारीख को, 3 दिन पहले आपकी ये स्टार्टिंग डेट हुई है। लास्ट डेट है इसकी 16/1/2024, यानी 16 तारीख की रात के 11:59 तक आपकी ये आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में करेक्शन जो है वो 18/1/2024 है। करेक्शन के अंदर कोई भी अगर नाम की या किसी चीज़ की स्पेलिंग की गलत हो रही है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो 18/1 को, ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल सून, यानी एडमिट कार्ड अभी आए नहीं है। फॉर ऑल कैंडिडेट 400 रुपये फीस रखी गई है। इसमें अदर स्टेट कोई भी हो, अदर स्टेट हो या कोई भी हो, तो 400 रुपये फीस रखी गई है। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। मेल की जो उम्र है वो 18 से 25 है और फीमेल की 18 से 28 है। एज लिमिट है 1/7/2023, ठीक है। जो एज की लिमिट इनने काउंट की है वो 1/7/2023 से की गई है, ठीक है। यानी 1/7/2023 से बाद का बच्चा नहीं भर सकता इसमें, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, पीएसटी एंड फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद में लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो अमूमन जितनी भी डिफेंस की पुलिस की भर्ती आती है सभी में ऐसा ही होता है, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है इसने, पोस्ट वही है 12वीं पास, यानी अब बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर प्लस टू पास बच्चा ही फॉर्म भर सकता है, 10वीं पास वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। उसके बाद में जर्नल, EWS, OBC, SC, ST, तो ये जो हैं इसमें जनरल के जो पोस्ट हैं वो 24,102 हैं। तो जो अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भरेगा वो जनरल में ही काउंट होगा, चाहे वो SC कैटेगरी का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो जनरल का हो। उसके बाद में EWS 6,024 हैं, OBC 16,264 हैं, SC 12,650 है, ST 1204 पोस्ट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर जो मार्क नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। टाइमिंग ड्यूरेशन 2 घंटा होगा। एग्जाम ऑफलाइन, यानी जो आपका एग्जाम होना है वो आपका ओमार सीट पे होगा और टाइमिंग होगा 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो इसमें सब्जेक्ट, क्वेश्चन और मार्क्स, तो अभी देखते हैं इसमें कितने का एक क्वेश्चन बना है, ये 2 नंबर का। तो इसमें जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन है। अब जनरल नॉलेज में कुछ यूपी की जनरल नॉलेज आएगी, कुछ आपकी स्टैटिक जीके आएगी, कुछ आपकी करंट अफेयर आएगी, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 38। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 2 नंबर, तो इसके हो गए 76 नंबर। जनरल हिंदी 37 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर है, तो इसके हो गए 74 नंबर। उसके बाद में
आपकी मैथ, मैथ के 38 क्वेश्चन आएंगे और इसके आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76 नंबर। उसके बाद में आपका क्या गया, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 74। तो ये होगा टोटल कितने का, 300 नंबर, और क्वेश्चन कितने हो गए, 150, यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी, 2 नंबर। तो अभी दिल्ली पुलिस का भी बैच चला रहा था, हमने SSCGD का बैच भी चल रहा है, तो मेरे पास काफी बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर यूपी पुलिस का बैच चलाओगे। तो अभी हमने ये देखा कि इसके अंदर जो ये हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, ये तो हम सेम ही है, ये तो सेम ही है जो हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे बात आती है कि जीके के अंदर, तो जीके के अंदर कुछ यूपी की जीके है, कुछ करंट अफेयर है, कुछ स्टैटिक जीके है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसका बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आ सकते हैं, हमारी फीस आपको पता ही है जितनी है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, हरियाणा के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम हाइट की बात करें तो जनरल OBC SC कि जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर ली गई है और चेस्ट है 79-84, यानी फुलाव 5 का होना चाहिए। ST के लिए हाइट 160 की दी गई है और चेस्ट स्ट्रेंथ 82, ठीक है। कैटेगरी वाइज हाइट फीमेल की, तो फीमेल में जनरल OBC और SC की 152 सेंटीमीटर है, मिनिमम वजन 40 kg होना चाहिए। ST की जो है वो है 147 और वजन 40 kg होना कंपलसरी है, ये फीमेल के लिए वजन का क्राइटेरिया रखा है, यानी 40 kg वजन होना जरूरी है। और हाइट बहुत कम दी गई है, हरियाणा में जो भर्ती होती है उसमें हाइट ज़्यादा होती है, जैसे मेल की हाइट होती है 170 सेंटीमीटर और फीमेल की होती है 157 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे फीमेल के लिए भी बहुत बढ़िया मौका 152 सेंटीमीटर दी गई है और मेल की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर दी गई है। तो जो भी हरियाणा के बच्चे भी हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो चाहे SC कैटेगरी से हो चाहे OBC से हो, जनरल में काउंट होगा अदर स्टेट के अंदर अगर फॉर्म भरते हो तो। तो दोस्तों ये जो है बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अब इसमें बात करें हम फिजिकल की, फिजिकल के लिए मेल का जो फिजिकल है वो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में क्लियर करना है तो आराम से क्लियर कर देगा, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, तो मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा इसमें फेल नहीं हो सकता, तकरीबन बच्चे 99% बच्चे इसमें पास हो जाएंगे जो थोड़ी बहुत मेहनत करेगा। और आपको पता है जीनियस मिलिट्री एकेडमी फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी कराती है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था कि जो ये भर्ती निकली है यूपी पुलिस की, ये अच्छी भर्ती है और बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर, बहुत सारी पोस्ट हैं, जो बच्चा मेहनत करेगा वो बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो मेहनत करिए, फॉर्म भरिए और लगातार लगे रहिए, हौसला डाउन मत करिए। बहुत सारे बच्चे एक दो एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, सर मेरी किस्मत ख़राब है, किस्मत सभी की बराबर होती है, किस्मत बनानी पड़ती है, ठीक है, किस्मत के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जब मेहनत करोगे तो भगवान भी साथ देता है और आपकी किस्मत अपने आप बढ़ जाएगी, बगैर मेहनत करे किसी की भी किस्मत नहीं बनती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, और जो भी बच्चे हमारे जीनियस मिलिट्री एकेडमी में आना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।